एसएसबी शुरू होती है सेकेंड डे से। पहला दिन तो आपका स्टेज वन होता है, जहां देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कुछ बेसिक क्वालिटी है या नहीं है, क्या इसको हम आगे टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करें या ना करें, जिसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। सिंपल आके बैठना है, स्ट्रेट आके बैठना है, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और आपके जो पोस्चर होता है, जो हाथ दोनों होने चाहिए, आपके थाइस के ऊपर होना चाहिए और आपका लेवल हेड, आपका अप्रोच है ना, देखने का तरीका होना चाहिए, स्क्वायर शोल्डर होना चाहिए, जितना स्वीट होना बैठना चाहिए, देखना चाहिए आपको कन्फर्म। जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आपका सपना फौज में अफसर बनना है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप जानते हैं कि जब आप फौज में अफसर बनने की बात करते हैं तो एसएसबी एक बहुत बड़ा पड़ाव है जिसे आपको क्लियर करना ही है। एसएसबी में आपको रिकमेंडेशन लेना ही पड़ेगा, लेकिन एसएसबी शुरू होती है सेकेंड डे से। पहला दिन तो आपका स्टेज वन होता है, जहां देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कुछ बेसिक क्वालिटी है या नहीं है, क्या इसको हम आगे टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करें या ना करें, जिसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। कई बार बच्चे रिकमेंडेड होते हैं, एक नहीं चार चार बार रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को मैंने देखा है और फिर जाते हैं एसएसबी में तो वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। मेडिकल वजह से, किसी वजह से रह गए थे, फिर भी वो जाते हैं, कई बार स्क्रीन हो जाते हैं लेकिन फिर जाते हैं तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि अच्छे बच्चे जो लगातार रिकमेंड हो रहे थे और स्क्रीन आउट आगे जाके हो जाते हैं, क्या कारण है? तो इस समस्या का समाधान आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एसएसबी एक्सपर्ट्स, जिसे आप साइकोलॉजी कोर्स का महागुरु कहते हैं, हमारे कमांडेंट योगेश दत्ता सर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका इस सेशन में। और जो सर स्टेज वन, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार मैं जा रहा हूँ, स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा, ये सियोरिटी नहीं होती है और अच्छे अच्छे बच्चे कई बार स्क्रीनिंग में बाहर हो जाते हैं और फिर वो अच्छे रिकमेंडेशन वाले बच्चे होते हैं, वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं। और कुछ आखिरी अटेम्प्ट में सर, पिछले 2-3 बार अटेम्प्ट में रिकमेंड हो चुके थे, लास्ट अटेम्प्ट था उनका फिर से, और अच्छे से तैयारी भी करी और गए, स्क्रीन आउट हो गए। तो क्या है सर एसएसबी का स्क्रीनिंग प्रोसेस? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। थैंक यू गुलाब साहब, बहुत अच्छा है कि मुझे फिर से एक मौका दिया है वॉर डिफेंस एकेडमी लखनऊ के डायरेक्टर मिस्टर गुलाब साहब ने इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए और आपके समक्ष आने के लिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडेंट योगेश दत्ता हूं और फिलहाल मैं कंसल्टेंट हूं और अटैच्ड हूं वॉर डिफेंस एकेडमी के लिए। और मेरे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे पास्ट 3 डिकेड्स के, इसमें से मेरे यूजुअली 12 साल तो मैंने सिर्फ डेडिकेटली इन्वॉल्व हुआ हूँ विथ रिस्पेक्ट टू माई 10 साल, मतलब 10 ईयर्स तक मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ इन द लाइफ सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें ये जो प्रोसेस है जो स्क्रीनिंग बोलते हैं, जो स्टेज वन है, मैं बहुत ही क्लोजली इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, पार्टिसिपेट रहा हूँ, एसेसर भी रहा हूँ। तो एक एसेसर के नाते रहने से, जो कि मैं डायरेक्टली इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, तो आज जैसे ही गुलाब साहब ने जैसे इस इशू को लिया था तो मुझे लगा कि इसमें कुछ अपने ऐसे दो राय बताना चाहिए, जैसे कि जो बहुत सारे जो बहुत हाईली पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और जो पहले भी रिकमेंड हो चुके हैं, वो अगर इस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करें तो मुझे लगता है कि दे शुड बी ऑलवेज, हर समय जब भी जाएंगे वो अपने एसएसबी के लिए, जब भी आता है उनका कॉल लेटर, वो अपने स्क्रीनिंग आराम से हो सके। तो वॉट एवर द क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई एम हियर इन द प्लेटफॉर्म। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे कि बहुत सारे नए कैडेट्स भी हमें देख रहे हैं, अभी एनडीए और सीडीएस का हाल ही में रिजल्ट आया है तो वो भी जा रहे हैं और उन्हें कोई पहली बार कोई एक्सपीरियंस एसएसबी का नहीं किया हुआ है, उनके लिए बिल्कुल अननोन है स्क्रीनिंग टेस्ट भी और आगे के प्रोसीजर्स भी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैं चाहूँगा 2 से 3 मिनट के अंदर क्या होता है सर, कैसे होता है, इसको आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। श्योर गुलाब सर, स्टेज वन जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ ऑल माई यंग एक्सपीरियंस कि स्टेज वन आपका गेटवे है वॉरियर स्टेज टू। और मुझे बहुत आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि, और इनफैक्ट एवरीवन, इट्स फैक्ट कि एवरी पर्सन जो भी होते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो स्टेज टू के एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन में जाते हैं, पर बहुत सारे स्टेज वन में रह जाते हैं। तो एक बहुत सेटबैक होता है कि जो एक एस्पिरेंट होता है प्रिपरेशन करके जाता है स्टेज टू के लिए और जैसे निकल जाता है, उसके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग होता है कि भाई मैं उसके लिए गया था और मैं वहीं
फर्स्ट डे ही निकल गया हूँ। सो चलो मानते हैं कुछ ऐसे कुछ परफॉर्मेंस होती है, कुछ चीज़ें देखी जाती है और जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और मैं क्विकली रैप अप करके बताता हूँ कि क्या क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी जिसमें पोटेंशियल है यू शुड एबल टू स्मूथली टेक दिस टेस्ट बहुत आराम से और स्क्रीनिंग हो जाए। नंबर वन है, जब आप फर्स्ट डे रिपोर्ट करते हैं, जब कॉल लेटर आता है, जब रिस्पेक्टिव SSB में पहुँचते हैं, वहाँ पर आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में फिर आपको शायद चेस्ट नंबर अलॉट होती है और उसके बाद में आपका एक प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें दो एक्सपर्ट होते हैं, एक वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है। आप उसे परफॉर्म करते हैं, करने के बाद में फिर आप बाहर आते हैं। उसके बाद में आपका एक टेस्ट होता है जिसे होता है, इसे बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन। अभी यहाँ से जो है पहले वाला जो टेस्ट होता है वो आपका रिटन पार्ट होता है, जो मोर और लेस आपके लॉजिकल एकेडमिक के लिए होता है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपको अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी इसके बाद के जो टेस्ट होते हैं वहाँ से आपकी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाता है, जहाँ से आपका एक एस्पेक्ट होता है, हम एक होलिस्टिक अप्रोच से एक कैंडिडेट को देखते हैं कि इस कैंडिडेट में एक वो सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जो कि वो स्टेज टू में वो 5 days का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, टेस्ट प्रोसेस, वो हैंडल कर सकता है कि नहीं। सो अभी यहाँ से जब उसको लिया जाता है, एक हॉल में बिठाया जाता है, उसके बाद में एक पिक्चर प्रेजेंट किया जाता है और उस पिक्चर को देखने के बाद में उसमें उसके कुछ डिटेल्स लिखने पड़ते हैं, उसने पिक्चर में जो देखा है विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर देखने के बाद में, उसके बाद में उसको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है। जैसे एक क्रिएटिव लिखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आपको उसको परफॉर्म करना पड़ता है, वो शीट आपको हैंडओवर करनी पड़ती है, साइकिल मिल जाता है। उसके बाद आने के बाद में आपको बैचिंग की जाती है, या 15 कैंडिडेट्स होते हैं या 20 कैंडिडेट होते हैं, इट्स वेरिंग फ्रॉम 15, 16, 17, 18 लाइक दैट। अब जैसे जैसे आपकी बैचिंग होती है, जैसे जैसे आपको ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप के मुताबिक से आपको अंदर बुलाया जाता है डिस्कशन रूम में, और डिस्कशन रूम में आपसे वो डिस्कशन वाला पार्ट, एस्पेक्ट जो होता है वो वाला पार्ट, जैसे डिस्कशन टेस्ट, वो एस्पेक्ट आता है। इस टेस्ट में दो भाग होते हैं, एक होता है नरेशन जो आपको नरेट करना पड़ता है, और दूसरा होता है आपका जिसमें आपको डिस्कशन करना पड़ता है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ब्रॉडली सेइंग अबाउट से 1 hour टेस्ट, जिसमें आपको एक इस 1 hour में आपका पूरा पता चल जाता है कि आप उस काबिलियत में है, उस चीज़ में है कि आप स्क्रीन हो रहे हो या स्क्रीन आउट हो रहे हो। ये इसका पूरा टेस्ट प्रोसेस है। तो आपने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब आप रिपोर्ट करेंगे, चेस्ट नंबर आपको अलॉट किए जाते हैं, OIR टेस्ट होता है, OIR टेस्ट के बाद PP and DT, जैसा सर ने कहा, पिक्चर परसेप्शन, पिक्चर के हिसाब से आपने क्या परसीव किया है, देन थोड़ी देर बाद उसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन के दो भाग सर ने बताए कि आप पहले अपने स्टोरी को नरेट करते हैं, देन नरेशन के बाद डिस्कशन होता है उस पर, और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपने कहा कि जो दूसरा वाला पार्ट है PP and DT, वहाँ पर एक तो बच्चा बोल रहा है सर, तो इंटरव्यू ऑफिसर भी देख रहा है कि भाई बोल कैसे रहा है। वो आपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्टोरी लिख ली है और GTO के हिसाब से ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। तो GTO सर, इंटरव्यू ऑफिसर और तीनों होते हैं सर, तीनों SSS होते हैं जो वॉच करते हैं कि क्या इस बच्चे को आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो तीनों एस्पेक्ट के हिसाब से उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे की टेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं। भाई इसको रोकना भी है, खाना खिलाना भी है, इतना स्पेस नहीं उनके पास, और जब किसी कैंडिडेट को रोक लेंगे तो सारे टेस्ट में दम भी तो लगाएंगे। अब अगर पहले पता चल गया इसमें कोई फायर नहीं है तो क्यों लिया जाए। यस, वो ये कि एक उसमें वो पोटेंशियल है कि नहीं, कि हम जब उसको टेस्ट प्रोसेस में लाएंगे स्टेज टू के, जिसमें फर्स्ट एक्ट टेस्ट होता है, फिर GTO के पूरे के पूरे 3 दिन के आउटडोर एक्टिविटी होते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि PGT होता है, CT होता है, FGT होता है, GD होता है, मल्टीप्लाइंग एक्सरसाइज होता है, आपके ऑब्स्टिकल रेस होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होते हैं, इतने सारे एस्पेक्ट में वो हैंडल कर पाएगा, फिर वो 1 घंटे की इंटरव्यू भी है, तो सारे सारे चीज़ को वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो वो जो पोटेंशियल का जो चेक है, उसका जो एक मेजर है, उस जगह ही चेक हो जाता है, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट यू नो कि एक कैंडिडेट में अगर उसमें वो काबिलियत है नहीं और वो प्रोग्रेस कर जाता है और वो परफॉर्म ही ना करे, तो फिर वो फायदा पूरे जो टेस्ट पर्पस है वो फुटाइल हो जाता है। बिल्कुल, तो उस फुटाइल को ना हो जाए इसलिए वो किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। तो अभी बात आती है कि जो कैंडिडेट बहुत पोटेंशियल होते हैं वो कहाँ कहाँ मार खाते हैं, जिसके कारण वो स्टेज टू के लिए प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
कि पहली बात है जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, मैं अभी पोटेंशियल कैंडिडेट दो टाइप के होते हैं, जो हाईली पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं और एक होते हैं जो ऑलरेडी रिकमेंडेड मेरिट आउट होते हैं इनके बारे में बोल रहे हैं। अभी होता है जो होता है जो हाईली पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कहीं कहीं जहाँ पे उनका जो फिजिकल डिस्प्ले रहा होगा वो ढंग से नहीं परफॉर्म होगा, या तो उसने जो पिक्चर को परसीव किया होगा विदर प्री कंसीव आइडिया होगा, या तो उसने पिक्चर को समझा नहीं होगा, या तो उसकी जो स्टोरी लो लेवल की, ये तो फिलहाल तो लिखने वाली बात होगी। आई बात अब डिस्कशन में जहाँ पे नरेशन की बात आती है, नरेशन में उसका एक 100% जो होता है उसका नरेशन क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, एक वॉइस मॉड्यूलेट होना चाहिए और आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। अभी आती है कि बात जो बच्चे हैं जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, एनडीए से आते हैं, नरेशन होती है थोड़ा सा रस्टिक होता है लैंग्वेज उनका, तो उनके लिए ऐसा है कि उनका एक फ्लो रहने दीजिए। माइक भी हम उसको बोलते हैं कि उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इफ़ यू गेट स्टक अप इन बिटवीन, अगर आप रुक जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हिंदी में कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू करिए, कुछ सेंटेंस भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलेशन आप बरकरार रखिए, अपना बेसिकली जो स्टोरी है उसे कंप्लीट कर दीजिए जो 55 और 60 सेकंड का जो टाइम है, उससे पता चलता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका पावर एक्सप्रेशन क्लैरिटी और स्पीच है, दूसरा आप ऑर्गेनाइज्ड हो और अच्छे से आपने जो स्टोरी है आप अच्छे से बयां कर पाए हो, बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस भी आता है उसमें आपका, एक तरह से एक थोड़ा सा जो स्ट्रेस पे रहते हैं तो आपका एक बेटर स्टेमिना भी आता है, ये सब चीज़ें आपकी नरेशन पता चलती है। तो आपको एक चीज़ है कि इस चीज़ के बारे में मैं बोलता हूँ कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि आप अपनी स्टोरी लिखिए, आप स्टोरी को देखिए और पढ़िए कई बार, जिससे कि आपको जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, आप देख सकते हैं। कभी कभी आपको कोई गैदरिंग मिलती है तो 4-5 लोगों के सामने खड़े होकर या बैठ के आप उनकी आंखों में आँख डालकर ये प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, यह होगा नरेशन पार्ट। जी, नरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में होता है डिस्कशन, जो कि एक मेन टेस्ट है जिसमें आपके रियल डायनेमिक्स चेक होते हैं। अब डिस्कशन में क्या करना है, डिस्कशन में आपको एक बात है कि पहले बात तो आपको जैसे ही डिस्कशन शुरू होता है आपको इन्वॉल्व होना ही होना है, नंबर वन। आप ऐसे नहीं कर सकते हो आप वेट करते रहो या फिर आपको कोई GTO फिर घंटे बजाएं और कोक करे बताएं कि इनकरेज करे कोक्स करे कि आप भाई आप इन्वॉल्व होइए, ऐसे नहीं कि चार लोग बोले जा रहे हैं बाकी देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, सबको इन्वॉल्व होना है, हर एक को अपना, अगर आपको जाना है स्टेज 2 में आपको ग्रुप डिस्कशन में 100% इन्वॉल्व होना है, नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। दूसरा, आपको रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट करना है और आपका जो सब्जेक्ट या आपका स्टोरी है उस पर, या आप जिसका जो डिस्कशन जिस कोर्स पे जा रहा है उसमें अपना रेगुलर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, आइडियाज़ और जो भी आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके जितने भी आपके कंटेंट्स हैं उसको रेगुलरली उसको बिल्डअप करना है, जैसे कि एक स्टोरी बन पाए, एक ग्रुप स्टोरी बन पाए, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पहले जब पिक्चर परसेप्शन क्या था, आपको पिक्चर दिखाया था, आपने स्टोरी लिखी थी पर वहाँ पे आपका फिजिकल अपीयरेंस चेक नहीं होता है, बट यस जब आप डिस्कशन के लिए आते हो वहाँ आपका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक वो भी होता है जिसमें आपकी वो जो मिलिट्री बियरिंग है कि नहीं है, आप आए और आप आकर ऐसे के बैठ गया ऐसे आके, या आप ऐसे कर रहे हो, या आप कुछ पैर को ऐसे ऐसे से हिलाने शुरू कर दिया, या आप ऐसे आके आराम से जैसे लाट साहब की तरह के बैठ गए, कोई को तो आता है और आके ऐसे क्रॉस लेग भी आके बैठ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या बताती है कि आप आए अफसर के सिलेक्शन के लाए तो आपके जो हालचाल हैं बड़ी मतलब वेग है, मतलब कि इसमें वो चीज़ वो फिर से नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप कट डाउन कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि जो सिटिंग पोस्चर होता है बहुत सिंपल है, सिंपल आके बैठना है, स्ट्रेट आके बैठना है, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और आपके जो पोस्चर होता है जो हाथ दोनों होने चाहिए, आपके थाइस के ऊपर होना चाहिए और आपका लेवल हेड आपका अप्रोच है ना देखने का तरीका होना चाहिए, स्क्वायर शोल्डर होना चाहिए, जितना स्वीट होना बैठना चाहिए, देखना चाहिए आपको कन्फर्म, अगर आपकी हाइट अगर छोटी है तो थोड़ा आगे जाए जिससे कि आपका जो फीट है, हील है, जो पैर के हील है वो प्रॉपर टच होने चाहिए आपके ग्राउंड में, अच्छे से प्लेस होने चाहिए, इनफैक्ट द पूरा आपका जो फ्लैट फुट है फर्मली प्लेस होना ग्राउंड होना चाहिए और बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए और अननेसेसरी ऐसे मूवमेंट ना करें जिससे कि आपका एक इंप्रेशन बने कि आप एंशियस हो, जैसे आप बहुत स्ट्रेस में हो या आप बहुत घबराहट से हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जब आपका समय आपको जो इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक बात है। दूसरा, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आपने ड्रेस पहना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब पहनते हो तो आप ऐसे कोई बड़ा वेग ड्रेस, लूज शर्ट या आपने फंकी ड्रेस या आपने कुछ टॉर्न जीन्स या आपके शूज़ क्लीन नहीं है या फटे हुए ऑल दिस, आपको हमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कि कोई कॉस्टली ड्रेस पहनना, बट जो भी पहने सिंपल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब एक और बात आती है जो बहुत सारी चीज़ जो लोग समझते नहीं है, जिसका मैं मिस कर गया था, नरेशन में होता है
नरेशन में आपको मिलता है 55 से 60 सेकंड मिलता है, उसमें आपको नरेट करना होता है। और बहुत बच्चे लोग हैं जैसे बोला कि आपको नरेट करना, आप स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी वितरण करके शुरू कर देते हैं। उसमें आपको पहले बताया जाता है कि आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो देना चाहिए पहले, कैसे आपने पिक्चर को देखा है, ऑब्जर्व क्या कैसे परसीव किया है, आपने कैसे उस चीज़ को मेन कैरेक्टर को मतलब अपने क्या कैरेक्टर है, कैसे सेटल करना है, कैसे आपने उसके एज और मूड बताया है, उसके बाद में आप कैसे उसको कहते हैं अपने स्टोरी को बनाते हो। तो इसका एक फॉलो प्रोसेस है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है और उसी तरह से आपको अपने फेलो जो कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके जो ग्रुप में हैं उनके सामने आँख में आँख देख के बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि एक रिमेंबर वन थिंग कि ये जो जो आपका जो डिस्कशन टेस्ट है वो आपका क्लियर कट है कि आप तीनों एसेसर सामने आप एक तरह से अपने आपको फिजिकली डिस्प्ले करो विद रिस्पेक्ट टू योर इंटेलिजेंस, विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्फिडेंस, इफेक्टिवनेस एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर डायनेमिज्म। तो ये सब चीज़ें होलिस्टिक चेक की जाती है। तो आपको एक परफॉर्म करना है बहुत ही अच्छे तरह से कि जिससे कि आप वो चीज़ें दिखा सकें, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द 50 रूल क्यूज कि आप उसमें वो आपने क्षमता है कि आप स्टेज टू के जो तीन टेस्ट हैं, जो तीन टेक्निक्स हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें जी, कि हमें ऐसा ना लगे कि हमने एक स्क्रीन ऐसे लिया और वहाँ पे आने के बाद में आपका परफॉर्मेंस ही वो बहुत लो है और एक वेस्ट। सो वी मेक श्योर डेट कि SSL भी मेक श्योर करते हैं कि हम वही कैंडिडेट बोलें जिसमें वो सारे पोटेंशियल्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि जब ये स्टेज जब ही स्टेप टू टू स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो वो सारे टेस्ट अच्छे से कर सकें एंड अच्छे से कम्पीट कर सकें। तो ये बात ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कम समय में गाइड किया कि भाई OIR टेस्ट के बाद जो PPDT होता है आपका उसमें एक तो आपकी पिक्चर जो दिखाई गई है जो स्टोरी लिख रहे हैं उसका भी इम्पोर्टेंस है, डिटेल कैसे भरा आपने, एक्शन में क्या किया है, लिखने समय कटिंग वोटिंग तो बहुत नहीं कर दी आपने क्योंकि वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो जाएगा। दूसरा जब आप बात कर रहे होते हैं तो क्लियर बोले, नरेशन में एकदम क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी और डिस्कशन में भी आप इन्वॉल्व रहे ताकि उनको लगना चाहिए गिव अप वाला बंदा नहीं है, ये लॉजिकल आइडियाज दे रहा है अपने बैकग्राउंड में जो स्टोरीज बनाई है इसने, जो दिखा है पिक्चर में उसके बारे में और रिसर्च करके बोल रहा है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा सर और मुझे लगता है ये पहली बार यूट्यूब में ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं इतना बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोज को प्रमोट करिए, आपके लिए ऐसे वीडियोज बहुत आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। सर मैं विदा चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।